हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी। इस वक्त हम लोग कर्नाटका कॉलेज टूर पे हैं और कॉलेज रिव्यूज कर रहे हैं। अगला जो मेडिकल कॉलेज हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये एजे का हॉस्पिटल है और अभी हम जाने वाले हैं कॉलेज के अंदर में। ये आसपास की लोकेलिटी है। एरिया के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कॉलेज जो लोकेशन है इसका, ये है मैंगलोर उडुपी के हाईवे पे और सिटी से बिल्कुल पास में है। ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूँ को सिटी का जो सेंटर पार्ट अगर कहेंगे तो वो यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ही होगा। डेवलपमेंट आपको नियरेस्ट पॉइंट पे अगर बोलूँ तो 500-600 मीटर की दूरी पे आपको अच्छी खासी डेवलपमेंट नज़र आएगी। तो हम लोग अब ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं कॉलेज के पास में। ये कॉलेज को कनेक्ट करने का जो अप्रोच रोड है वो आप देख रहे हैं और बिल्कुल हाईवे के ऊपर में ही है। अब हम लोग कॉलेज के अंदर जाएंगे। तो अब हम लोग हैं एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कैंपस में। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया, नीट एंड क्लीन कैंपस है। अब हम लोग यहाँ के हॉस्पिटल में अभी पहले जाएंगे, वार्ड्स वगैरह जाके देखेंगे किस तरीके का ओपीडी एंड आईपीडी है और बच्चों से भी बात करेंगे और जो भी ओवरऑल फीडबैक होगी हमारी वो आपके साथ में शेयर करेंगे। इस कैंपस में आपको मेडिकल के साथ साथ में एजे का डेंटल भी ब्लॉक मिलेगा। बहुत ही अच्छा कैंपस है, काफ़ी अच्छा लगा हमें अभी यहाँ पे आकर के। और ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है इसका जो अभी हम लोग जहाँ पे जाएंगे और जा कर के फिर जो इसकी कंप्लीट एनालिसिस है वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कैंपस जिसको कह सकते हैं, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे और कॉलेज का ये जो कैंपस का एरिया भी है वो काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा इस कॉलेज के कैंपस में आकर के। आप देख सकते हैं आपको कितना मतलब यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आ रही है हर तरफ। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी हम हिल स्टेशन की तरफ आ गए हैं और ऐसा महसूस हो रहा है क्या कि यहाँ पे आप काफ़ी हेल्दी भी फील करेंगे। इस तरीके का ग्रीन एटमॉस्फेयर जहाँ पे आपको हर तरफ इतनी ग्रीनरी मिल रही है, यहाँ पे आप नो डाउट इस कॉलेज के कैंपस में आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। कैंपस के एक कैंपस का जो एक लाइफ होता है, एक जो वाइब होता है, इतना वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर यहाँ पे, वाकई में एक इंस्टीट्यूशन अगर होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए और वो एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कैंपस में आने के बाद में हमें नज़र आ रहा है। हर तरफ आपको डेवलपमेंट दिखेगी। हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गेट माय यूनिवर्सिटी के चैनल पे। इस वक्त टीम गेट माय यूनिवर्सिटी कर्नाटक के कॉलेज टूर पे है और हम जिस सिटी में हैं वो है मैंगलोर। और जिस कॉलेज के कैंपस में हूँ इस वक्त, इस कॉलेज का नाम है एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर। 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था इस कॉलेज को। 150 MBBS का इंटेक है यहाँ पे, 121 PG और साथ में सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स में 14 सीट्स आपको मिलती है, यानी कि UG, PG और सुपर स्पेशलिटी तीनों कोर्सेस आपको यहाँ पे मिलते हैं। बात करते हैं इस कॉलेज की अकेडमिक की। जितने भी बच्चों से हमने बात की, अकेडमिक का उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिला है फैकल्टीज़ को लेकर के, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी एक्सपीरियंस को लेकर के। बच्चे काफ़ी खुश हैं यहाँ की पढ़ाई से। बात करते हैं अब यहाँ के हॉस्पिटल की। 950 बेडेड हॉस्पिटल है, क्लोज टू 1000, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्ट्रेंथ माना जाता है। हॉस्पिटल में हमने देखा जो पेशेंट का जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है, एक अच्छा रश आपको देखने के लिए यहाँ के हॉस्पिटल में मिलेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने देखा, जनरल मेडिसिन, OBG, सर्जरी, इन सब डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छा पेशेंट का लोड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो सिर्फ UG ही नहीं, PG या सुपर स्पेशलिटी की भी बात करें तो उन सब के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज होगा। कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अब तक हमने जितने भी कॉलेजेस को देखा है, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, KEA के अंदर आता है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर में है ये कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जिस तरीके से इस कॉलेज को पूरा डेवलप किया गया है,
आप आकर के बोले, क्या कि डेफिनेटली मैनेजमेंट ने एक अच्छा एग्जांपल सेट किया है कि कैसा एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एक लश ग्रीन कैंपस जिसको कहते हैं, जो कि वेल मेंटेन्ड है, हर तरफ आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच नज़र आएगा। ये कॉलेज की बिल्डिंग है, स्टार्टिंग में आपको हॉस्पिटल मिलेगा, इसके बैक साइड में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, तो आपको कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि आपको कहीं पर डिसअपॉइंट करेगा। टू शेयरिंग का हॉस्टल मिल जाएगा आपको यहाँ पे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो फेस्ट और अदर चीज़ें भी यहाँ पे एक्टिवली होते रहती हैं। अब बजट की बात करते हैं, 577 के स्कोर पर ये कॉलेज अलॉट हुआ था 2023 में। उस स्कोर पर जो इस कॉलेज का जो रिव्यू है, मैं बोलूँगा कि उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा डिसीजन था जो स्टूडेंट ने लिया। अब बात करते हैं यहाँ की कॉस्ट की। 11 लाख रुपीज़ का अप्रॉक्सीमेट ट्यूशन फीस है, अदर चार्जेस को अगर आप इन्वॉल्व कर लेते हैं तो 58-59 लाख या मैक्सिमम 60 लाख रुपीज़ के आसपास में आपका टोटल बजट फॉल करता है MBBS के लिए। हमने कई मेडिकल कॉलेजेस को रिव्यू किया। कर्नाटक में अब तक हमने लगभग 22 मेडिकल कॉलेजेस देखे हैं। उनमें मैं आपको बोलूँगा क्या कि टॉप 6 में यह कॉलेज जरूर फॉल करता है। आप जब कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं तो उस समय आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छी एकेडमिक्स, एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। उस हिसाब से अगर आप इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो ये कॉलेज बेहतरीन है। और साथ में इन सब के साथ में जो सिटी का भी जो कनेक्ट है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी सिटी है मैंगलोर, एक डेवलप सिटी है जहाँ पे आपको हर कुछ जो आप एक सिटी से एक्सपेक्ट करते हैं वो मिलता है। कोस्टल एरिया है तो काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी आपको मिलेंगे, आसपास में आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। जब आप कर्नाटक आते हैं तो कर्नाटक का ये मतलब नहीं होता है क्या कि सिर्फ एक बैंगलोर सिटी है। हमने अलग अलग सिटीज़ को देखा, जिस हिसाब से ये सिटी डेवलप्ड है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है क्या कि बैंगलोर या मैंगलोर में कोई खास डिफरेंस आपको नजर आएगा। इनफैक्ट एक्सप्लोर करने के मामले में आपको मैंगलोर में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो जब भी कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं आप, तो सिटी को एक बहुत बड़ा पैरामीटर रख करके अगर आप चलते हैं तो उस कंडीशन में भी ये एक सिटी ऐसा है जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमने 2022, 23, 21 में भी हमने कट ऑफ के हिसाब से देखा कि लोग कॉलेजेस को ऑप्ट कर लेते हैं, कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से कॉलेज को ऑप्ट कर लेते हैं, बट वो सही डिसीजन नहीं होता है। कई बार मेन सिटीज़ में कट ऑफ हायर साइड पे रहती है, कॉलेजेस में लोग ज़्यादा डिमांड रखते हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आपको इस तरीके का आउटपुट मिलेगा जो आपको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेगा। ओवरऑल फीडबैक हमारा AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को लेकर के यही है कि एक बहुत अच्छी एकेडमी, एक अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, इन सब को इंजॉय करना चाहते हैं तो AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को आप ज़रूर ऑप्ट करिए।